नमस्ते गाइस, पहचाना, फिर से आ गए वापस. हेलो. सो आज हम लोग जा रहे हैं पेन सिल्क पार्क, जो कि सोशल मीडिया पे पूरा वायरल है. एंड बहुत सारे कंटेंट्स है सोशल मीडिया पे, स्पेशली टिकटॉक पे एंड इंस्टाग्राम पे. बट आज हम लोग इसीलिए उधर जा रहे हैं क्योंकि हम मुझे बहुत दिन से यहाँ पे जाना था, तो आज मैंने डिसाइड किया चलो यहाँ पे जाते हैं. नॉर्मली मैं बताता नहीं हूँ कैसे जाना है एंड ऑल ऑफ दोस थिंग, बिकॉज यहाँ पे मैंने जैसे कि कहा मेरे पिछले सारे वीडियोज पे, इट्स वेरी इजी टू कम गो इन यूके, लाइक वेट एवर यू वॉन्ट टू, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट गूगल, दैट्स इट, सिंपल. सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहता है. बट आज मैं फिर भी बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं आज फिर से गाड़ी पे ही जा रहा हूँ. बट आप इधर जा सकते हो, अगर आप ट्रेन यूज़ कर रहे हो तो भी जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो. बस का रूट थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग है, बट ट्रेन का थोड़ा शॉर्ट है. मैं जहाँ पे रहता हूँ वो थोड़ा नॉर्थ लंदन की तरफ है, वहाँ से ये 100 लाइक अराउंड वन आवर जैसा लगता है. ठीक है, अराउंड वन आवर जैसा लगता है. और आप अगर ट्रेन से भी जाते हो तो 1 hour 20 minutes मैक्सिमम ऐसा कुछ लगता है. ट्रेन का मैं बता दे रहा हूँ, वाटरलू, अगर आप सेंट्रल लंदन पे हो, वाटरलू से आपको ट्रेन पकड़ना पड़ेगा. ये साउथ वेस्टर्न रेलवे करके है, उस वो वाला रेलवे पे आपको पकड़ना है. ठीक है, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 9 pounds समथिंग. ठीक है, ऑन एन एवरेज. आपके पास अगर रेल कार्ड है, रेल कार्ड के बारे में मैं दूसरा कोई कभी वीडियो लाऊंगा, उसमें बता दूंगा रेल कार्ड क्या होता है. बट अगर आपके पास रेल कार्ड नहीं है तो अराउंड 9 pounds समथिंग गिरेगा ट्रेन का, और ऊपर से फिर आपको बस भी पकड़ना पड़ेगा. ठीक है, बस में अराउंड 3 to 5 pounds जैसा गिरेगा. ठीक है, तो ऑल इन टुगेदर आपका मैक्सिमम ट्रेवल कॉस्ट 15 pounds जैसा गिरेगा. एंड दिस इज द बेस्ट लाइक वन डे ट्रिप, अगर आप लंदन पे रह रहे हो तो ये आप इजिली जाके घूम के आ सकते हो रिटर्न. ये दिस इज अ रियली नाइस प्लेस, आई शो यू नाउ, लेट्स गो. आज मौसम भी मस्त है और हम लोग इधर पहुंच भी गए. ये रहा पेन सिल्क पार्क, ये बहुत बड़ा पार्क है. एंड जैसे कि कहा मैंने, अगर आप गाड़ी लेके आते हो तो फिर तो कोई चाप ही नहीं है. यहाँ पे इजिली फ्री पार्किंग है, तो आप आके गाड़ी अपना पार्क कर सकते हो. दैट इज द एंट्रेंस, इधर से एंट्रेंस है, आके यहाँ पे दिखेगा आपको. पर आप यहाँ पे कहीं पे भी पार्क कर सकते हो, इट्स अप टू यू. पार्किंग तो बहुत सारा है, पार्किंग स्पेस बहुत सारा. सो एंटर करने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल ब्रिज गिरता है, विच इज़ रियली ब्यूटीफुल. बाय द वे, एंट्रेंस के बारे में बता दे रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है इसके पहले, तो मैंने इस बार डबल चेक किया है. क्योंकि यहाँ पे भी टाइम स्लॉट था इन बिटवीन 12 to 1. एंड मैंने यहाँ पे, मैं 1 बजे के जस्ट पहले आया हूँ एंड मैं पहले चेक कर लिया कि मैं एंट्री बाद में ले सकता हूँ कि नहीं, लाइक डजेंट हैज़ टू बी इन बिटवीन दैट स्लॉट, बिकॉज वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ था. तो मैंने यहाँ पे आकर डबल चेक किया, तो यहाँ पे ऐसे कोई बात नहीं है. यहाँ का जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के बीच, मतलब जो ओपनिंग आवर्स एंड क्लोजिंग आवर्स है उसमें कभी भी आप आ सकते हो. इट्स जस्ट अ स्लॉट कि आपको दे देते हैं कि इस टाइम पर आप आ सकते हो. By 6 o'clock. Okay, six. Thank you so much. Thank you. Cheers. Yeah. Bye. So, मुझे उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, बोला कि क्या क्या करना है, कहाँ पे क्या टॉयलेट है एंड लास्ट एग्जिट कब, कितने टाइम को है. सो 6 बजे इज़ द लास्ट टाइम अभी के लिए, एंड आई थिंक 28 October से ये चेंज होने वाला है. सो अगर उसके बाद आ रहे हो तो थोड़ा प्लीज़ ऑनलाइन पे चेक कर लेना वेबसाइट पे. और मैंने टिकट भी ऑनलाइन पे बुक किया है, दैट कॉस्ट यू चीपर. अगर आपको चीप में बुक करना है तो आई थिंक इट्स 3 pounds or 4 pounds जैसा डिफरेंस है यहाँ का और ऑनलाइन पे. ऑनलाइन पे मैंने आई थिंक 11 pounds समथिंग पे बुक किया है. एंड मैंने अभी वो लेडी फिर से आई थी, मुझे पूछ रही थी कि मेरे पास ड्रोन है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे ड्रोन अलाउ नहीं है फ्लाई करना, अनलेस आई थिंक कमर्शियल फिल्मिंग वगैरह उसके लिए हो सकता है, बट नॉर्मली नहीं है. बट बाय द वे, जो मुझे आपको दिखाना था, जो कि है यहाँ पे मैप्स वगैरह दिया हुआ है. ठीक है, आप यहाँ से मैप कलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, मैप कलेक्ट करके दैट विल बी ईजियर, क्योंकि ये पार्क बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है. एंड यू नीड द मैप टू गो फ्रॉम हेयर. सो वी ग्रैब वन मैप एंड विल गो. बाय द वे, ये जो पार्क है ये 18th century पे बनाया गया है बाय चार्ल्स हैमिल्टन. ठीक है, सो ये बहुत बड़ा, बहुत पुराना पार्क है. ये पार्क बना है, एस्टेब्लिश्ड हुआ है इन 1981. सो इट्स क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ. तो दो रूट है, एक है जो आप देख सकते हो ब्लू, और एक है रेड. तो हम लोग रेड वाला कवर करेंगे, क्योंकि रेड वाला कवर करने से ज़्यादा व्यू मिलेंगे, ज़्यादातर
जो यहाँ पे मोन्यूमेंट्स है वो सब दिखेंगे. तो विल फॉलो द रेड पाथ विच यू कैन सी. आई थिंक ब्लर हो गया. अबे रुक जा रे. हाँ दिख रहा है. चलो लिखा भी है रेड पे. रेड वाला जो है हिस्टोरिक रूट है और एक्सेसिबल रूट है. तो ब्लू वाला जो मैंने आपको बताया मैप में वो वाला है, और यहाँ पे रेड वाला मतलब रेड वाला है जो कि मैप पे है. सो लेट्स गो. ऑटम के टाइम पे ना आने में मज़ा ही अलग है. क्यों पता है? मैं बता रहा हूँ क्यों. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लीव्स. दिख रहा है पेड़. वाओ ये स्वीट कपल को देखो यार, कितने स्वीट लग रहे हैं भाई. या सो ऑटम का मज़ा ये अलग है. ऑटम का मज़ा ही अलग है क्योंकि यहाँ का जो पत्ता है ना मस्त लगता है. सो ये है पहला लोकेशन जो है विनयार्ड, इसको बोलते हैं, जो कि आप देख सकते हो इतना मस्त है. लाइक इट लुक्स लिटरली सो नाइस. एंड यहाँ का हवा जो है ना इतना मीठा है, मैं क्या बताऊँ. लाइक लुक एट दिस द रिवर इटसेल्फ. वहाँ पे जो पानी रिफ्लेक्शन हो रहा है ना धूप का, अलग ही मज़ा लग रहा है उसका. वहाँ पे बैठ भी सकते हो आप. वहाँ पे आप बैठने के फिशिंग भी कर रहा है आई थिंक वो लोग. या वो लोग फिशिंग भी कर रहा है तो वो भी कर सकते हो आप. एंड यहाँ पे ये बीच बीच में पौधा लगा हुआ है, प्लांट्स लगा हुआ है विच लुक रियली नाइस. तो यहाँ पे अगर आप वाके पिक्चर लगे ना, पिक्चर के लिए बहुत अच्छा जगह है. सनसेट के टाइम आई थिंक द बेस्ट टाइम विल बी द टेकिंग पिक्चर्स, बिकॉज अभी थोड़ा ज़्यादा ब्राइट लाइट है. बट इसका भी मज़ा अलग है. अगर आप इस टाइम पे आ रहे हो तो डेफिनेटली मज़ा आएगा. बट ऑब्वियसली रेनी डे पे मत आना. अगर सनी डे ऐसा है तो फिर सीरियसली बोल रहा हूँ बहुत मज़ा आएगा. क्योंकि ये जो अभी हवा आ रहा है ना बहुत अच्छा लग रहा है. सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये पूरा ओपन है, ये टोटली ओपन है. उधर फॉरेस्ट है, इधर फॉरेस्ट है, बट ये जो एरिया है ये पूरा ओपन है. तो ये बहुत अच्छा लग रहा है. फील अलग. सो ये है गॉथिक टेंपल जो कि सोशल मीडिया में और एक फेमस मॉन्यूमेंट है. क्योंकि यहाँ जो आप देख रहे हो इट लुक लाइक दिस. एंड जो मेन व्यू है यहाँ का वो है ये, जो कि यहाँ से दिख रहा है. ये जो है ना ये है यहाँ का स्पेशलिटी, इस मॉन्यूमेंट का स्पेशलिटी. ये जो व्यू है यहाँ पे बहुत सारे इंसान आके फ़ोटो वगैरह खींचते हैं, जो कि यहाँ पे खड़े होकर यहाँ से जो व्यू है ना, ये जो स्पॉट है ये स्पॉट इज़ द बेस्ट. यहाँ इसी के लिए ये ज़्यादा फेमस है. तो ये भी एक सोशल मीडिया कंटेंट के लिए बेस्ट है. सो लगभग सभी का रिस्टोरेशन हुआ है. रिस्टोरेशन हुआ है. देखो इसका भी ये, इसका नाम एक्चुअली है टर्किश टेंट. अगेन कुछ खास है नहीं. पहले ऐसे दिखता था, अभी ऐसे दिखता है, और एक टाइम पे ऐसे दिखता था. और ये जो है टर्किश टेंट, आई मीन थोड़ा सा यूनिक है, नॉट गोना लाइ. थोड़ा सा गॉथिक स्टाइल है, बट अगेन क्या ही करना है. इतना ऊपर आके सिर्फ बैठने के लिए जगह दे दिया. चेयर बैठो, ठीक है ना. इतना ऊपर आओ, आके हपाओ, और इतना ऊपर आओ, थक जाओ, फिर यहाँ पे बैठ जाओ, ठीक है. इसके लिए यहाँ पे है, और कुछ है नहीं, कुछ नहीं है. सो अनफॉर्चुनेटली जो नेक्स्ट था वो है चाइनीज़ ब्रिज, जो कि फ़िलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन पे है. जो कि आप देख सकते हो ये है चाइनीज़ ब्रिज. यहाँ पे इसके बारे में लिखा भी है. ये भी हैमिल्टन ने ही बनाया है. तो जैसे कि मैं कह रहा था कि ये फ़िलहाल तो अभी कंस्ट्रक्शन पे है, तो ये हम लोग देख नहीं सकते. नॉर्मली क्या होता है, यू जस्ट हैव टू गो फ्रॉम दिस एंड देन यू गो दैट साइड. वहाँ पे जो मेन है क्रिस्टल गैटो, उसका गेट है. इसके बाद ही वो क्रिस्टल गैटो का गेट है, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे आए हैं. बट अभी बिकॉज ये बंद है तो वी हैव एन ऑल्टरनेट ऑप्शन विच इज़ यहाँ से ये जो छोटा ब्रिज, ये लोग ने ऑल्टरनेटिव अभी टेम्प्रेरी ब्रिज बनाया है. सो वील यूज़ दिस एंड गो. लेट्स गो. तो ये ब्रिज थोड़ा फनी है, बच्चों लोग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ब्रिज जो है ना थोड़ा मूवेबल है. लाइक आप एक्चुअली पानी में लिटरली आप पानी में वॉक कर रहे हो, बट ये मूव कर रहा है लाइक लिटरली. देखो यार आप साउंड
देखो लिटरली यू कैन फील इट. राइट, द नेक्स्ट वन इज रुइंड एबी विच इज दिस. एंड इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूँ कि ये सबसे लास्ट में बिल्ड हुआ एंड ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फेमस था एक टाइम पे. एंड ये भी टूट के गिर गया था, इसका भी रिस्टोरेशन हुआ है. सो इट्स रियली ब्यूटीफुल. यहाँ पे पिक्चर लेना बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट इसके पीछे है, ठीक है ना, और बाहर पीछे की तरफ वीवर भी है. सो इट लुक्स रियली नाइस, रियली ब्यूटीफुल एंड डेफिनेटली वर्थ कमिंग फॉर टेकिंग पिक्चर्स फॉर सोशल मीडिया. अगेन सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट हेयर. लाइक सोशल मीडिया पर अगर पिक्चर डालना है, कंटेंट डालना है, देन दिस इज द बेस्ट प्लेस टू कम. सो द नेक्स्ट वन इज वूलेट. वूलेट इज इट वूलेट? यस, वूलेट ब्रिज विच लुक्स लाइक दिस. कुछ खास नहीं है, जस्ट एक छोटा सा प्यारा सा ब्रिज है, यही इसी को नाम है वूलेट ब्रिज. सो जो सबसे स्पेशल है वो हम लोग लास्ट पे कवर करेंगे एंड क्योंकि वो मुझे अच्छे से दिखाना है इसीलिए, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा हाइप पे है और वही सबसे ज़्यादा मेन है यहाँ का. बट फिलहाल मैं ये सब दिखा दे रहा हूँ. यू वांट टू से समथिंग अबाउट दिस व्हील, बिकॉज़ आई हर्ड अबाउट लॉट अबाउट दिस. आई थिंक देयर इज अ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम इट. इट्स जस्ट सो द वाटर इज कमिंग फ्रॉम द रिवर मोल. या It actually goes into the lake. The lake is 14 acres, so that's 14 about acres. 28 soccer pitches, if you wanted right. to imagine mm-hmm. the space. It was all dug by hand because there were no mechanical diggers and there was no lake there. Right. So when Hamilton took over the park yeah. in the 1730s, 1740s, mm-hmm. he had people actually there digging out the lake by hand. And these were Huguenots that came over from Europe. They'd been persecuted. So everything is like they're all without any machinery. They used like yeah, everything yeah, by hand, yeah. isn't it? This water That's wheel amazing, is isn't it? Like, ये wheel दूसरा river से पानी खींच के फिर यहाँ पे लेके आता है, which we can say ये जो है ना, ये पानी दूसरा जगह से वो लोग वो जो river दूसरा river जो है वो flow हो रहा है उधर से, वो वहाँ से यहाँ पे लेके आ रहा है. Look at this, यहाँ पे देखो यार मशीनरी देखो, मैंने पहली बार देख रहा हूँ ये. दिस इज अमेजिंग, दिस इज समथिंग न्यू. ये मस्त चीज है, देखो यार. सो फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं, जो कि ग्रैटो, जो यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस, सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा फेमस, ट्रेंडिंग ऑल ओवर लाइक टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम पे. मैं पिछले एक साल से इसका वीडियो देख रहा हूँ, मुझे यहाँ पे आना था बट फाइनली आज यहाँ पे हूँ. तो आज एक्सप्लोर करेंगे कि क्या ये वाइब सच्ची में लाइक इसका जो वाइब है, ट्रेंडिंग है, लाइक यू नो इतना हाइप है इसका, इज़ इट वर्थ इट और नॉट. लेट्स गो एंड वॉच इट. सो बाहर से ये ऐसे दिखता है, जस्ट टू लेट यू नो गाइस. सो एंट्रेंस जो है ये ऐसा है, ठीक है. जो बेस्ट मुझे अभी तक लगा है कि ये जो मुझे ये लोग का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आया कि क्या है, ये जो पानी फ्लो कर रहा है ना, ये पानी जो फ्लो है इसी का एक अलग मज़ा है. क्योंकि ये जो अभी धूप है ना, ये धूप में सबसे ज़्यादा बेस्ट है यहाँ पे आने 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 का और इसका मज़ा लेने का. क्योंकि ये जो धूप है ना, ये रिफ्लेक्ट होके द सन विच इज़ रिफ्लेक्टिंग एयर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके ना, ये जो यहाँ पे क्रिस्टल पे आप देख रहे हो, दैट लुक्स अमेजिंग. लाइक दैट इट्सेल्फ लुक अमेजिंग. ये जो रिफ्लेक्शन है ना धूप का, ये पानी से आ रहा है यहाँ से, और ये जो दिख रहा है ना, ये बहुत मस्त लग रहा है, मस्त. सो दिस इज़ द एंट्रेंस, यहाँ से एंटर. वाओ, हेलो, हाय, सॉरी. सो ऐसे दिखने में है, दिस इज़ हाउ इट लुक्स. बहुत सारा बीच बीच में वो लोग ने ओपन ऐसे रखा है और यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है डू नॉट टच एनीथिंग. सो या वाओ, लाइटिंग वगैरह भी है बहुत सारा. ये लाइट वगैरह जो यहाँ पे लगा हुआ है ना, उससे तो और भी ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है. लुक एट दिस, आई मीन 10,000 क्रिस्टल से ये बना हुआ है, टोटली मैन मेड है. मुझे इसके बारे में नहीं मालूम था, यहाँ पे आने से पहले मालूम पड़ा. वाओ, इसको देखो यार, यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन देखो, ब्लू वाइट एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द वाटर, क्या मस्त लग रहा है ना. डैम 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 डैम. ऑल्दो इट्स टोटली मैन मेड, ठीक है ना, टोटली मैन मेड है, बट प्रॉपर मतलब बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रहा है, बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रहा है. ओवर क्राउडेड नहीं होता है उतना, डिपेंड करता है, आज वीक डे है
सो इट्स मैंने वीकडे पे आया है. आई थिंक वीकेंड पे लाइक ऑब्वियसली सैटरडे संडे ज़्यादा ये होता है, बट इसको देखो यार, जस्ट टू लेट मी सी दैट. क्या मस्त लग रहा है ना, प्रॉपर ऊपर उधर होल भी है, लाइक लुक एट दिस, है ना. वो फिल्म वगैरह पे दिखाता है ना कि एस्केप रूम, लाइक तुम क्रेव केव के अंदर घुस गए एंड देन यू हैव टू एस्केप लाइक दैट. सो इट्स समथिंग लाइक दिस कि वो एक ही होल है जहाँ से आप निकल सकते हो. इट्स लाइक दैट ट्रैप्ड. तो मस्त है, डेफिनेटली वर्थ इट मैं बोलूँगा. इवन दो अगर लंदन से भी अगर आप आ रहे हो ना, कहीं से भी आ रहे हो, इट्स वर्थ इट. लाइक एटलीस्ट इस प्लेस के लिए तो डेफिनेटली वर्थ इट है. जस्ट इट्स सेल्फ लाइक ये अगर सिर्फ यही देखने के लिए आ रहे हो ना, इट्स स्टिल वर्थ इट. पिक्चर वगैरह के लिए वाओ, अमेजिंग अमेजिंग वाओ अमेजिंग. लुक एट दिस, क्या ही मस्त लग रहा है ना. जस्ट बी केयरफुल क्योंकि मुझे नहीं लगता आई मीन जिसका हाइट ज़्यादा है उसका, बट नॉर्मली ये बहुत पॉइंटेड है, देख सकते हो, और बहुत ज़्यादा शार्प है. तो जस्ट बी केयरफुल विद दैट. बट इन जनरल यहाँ पे वाटरफॉल भी है दो तीन, यहाँ पे एक है, ये वाटरफॉल जैसा नहीं लग रहा, बट आई मीन वो लोग ने ट्राई किया डेफिनेटली अच्छा करने के लिए. लुक एट दिस, लाइक ये थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ बनाया है, ये वाला देख के थोड़ा सा लग रहा है ये वाला, फिर यहाँ पे जो वाटरफॉल है ये सब देख के लग रहा है कि हाँ ये नेचुरल नहीं है, ये डेफिनेटली मैन मेड है. बट दे डिड अ गुड जॉब. आई मीन डेफिनेटली आई विल से लाइक यू नो आउट ऑफ 10 9.5. लाइक यू नो इतना नेचुरल लुक दिखाना, इट्स टोटली, इट्स वेरी वेरी आर्टिस्टिक, वेरी आर्टिस्टिक, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक. जिन लोगों ने भी बनाया है ना, सल्यूट टू देम. इसका आवाज़ सुनो कितना प्यारा है ना. Look at the crystal. कितना natural लग रहा है यार. यहाँ पे एक है, वहाँ पे एक था, और यहाँ पे एक waterfall है यहाँ पे, जिसका आवाज़ सुनाई दे रहा है आपको. और ये बहुत सारा open, जैसे कि मैंने बोला ओपन है, जो कि वो सनराइज सन घुस पाए एंड अंदर एक नेचुरल लाइट. वो लोग तो ऐसे तो लाइट लगा हुआ है, बट एक नेचुरल लाइट भी है जिसके कारण और भी सुंदर लग रहा है. लुक एट दिस व्यू फ्रॉम हियर. यहाँ पे बैठ के मन कर रहा है यहीं पे बैठ जाऊँ, है ना. यहाँ पे बैठने का जगह भी है, बट ऑब्वियसली अलाउ नहीं है. आई थिंक वो लोग ने बोला है स्पेसिफिकली कि टच नहीं करने के लिए. तो ये सब क्रिस्टल ही है, ये भी क्रिस्टल है, तो आप बैठ नहीं सकते. बट अगर आप बैठ सकते तो इमेजिन लुक सिटिंग देयर एंड लाइक हैविंग दिस व्यू. इट्स सो ब्यूटीफुल इज़न्ट इट. डेफिनेटली वर्थ कमिंग. यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ के लिए, वो देखो, सिर्फ उस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए अगर देखने आ रहे हो तो ये भी वर्थ इट है. आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट. यही है इसके अंदर. वर्थ इट, डेफिनेटली वर्थ इट, 100% रिकमेंडेड. कि अगर सिर्फ 15-20 pounds जैसा मैक्सिमम आपका खर्चा होगा ट्रैवलिंग पे लंदन से यहाँ पे आने के लिए, प्लीज़ आओ, प्लीज़ आओ इसके लिए. तो प्लीज़ आओ, देख के जाओ. जो मैंने ब्रिज पहले बताया था ना, फाइव आर्क, सो ये ब्रिज टर्न ब्रिज बोल के एक नेटफ्लिक्स पे शो है, सीरीज़ है, जो कि बहुत फेमस है. जिन लोगों ने देखा उन लोगों को पता होगा क्या बोल रहा हूँ. तो ये ब्रिज वो लोग यूज़ किया है, ये जगह पूरा वो डेकोरेट करते हैं फ्लावर्स वगैरह से, एंड यहाँ पे शूट होता है, यहाँ पे शूट होता है, फेमस शूट नेटफ्लिक्स का भी होता है. देखो यार कितना पॉपुलर जगह पे हूँ मैं. सो गाइस, आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं. बट अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि यहाँ पे वर्थ इट है आने के लिए कि नहीं, डेफिनेटली वर्थ इट है. स्पेशली जो ग्रोटो क्रिस्टल देखा आपने, वो तो डेफिनेटली है. एंड जो दो चीज़ मेरा पर्सनल ओपिनियन पे दो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एक है जो व्हील मैंने दिखाया एंड दो ग्रोटो जो है, डेफिनेटली वर्थ इट है. बाकी सब है थोड़ा बहुत लाइक ओल्ड स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स वगैरह है थोड़ा बहुत, विच ऑल्सो लुक्स नाइस पिक्चर के लिए, इंस्टाग्राम के लिए डेफिनेटली वर्थ इट है. और ऑल्सो लाइक अगर आपको वेडिंग शूट के लिए वगैरह ये जगह बुक करना है, दैट इज़ ऑल्सो रियली नाइस. एंड क्योंकि मुझे बोला उन्होंने कि यहाँ का स्टाफ ने कि प्री वेडिंग के लिए बहुत को यहाँ पे जगह शूट करने के लिए आते हैं, तो आप भी कर सकते हो अगर आपको पसंद है, लाइक अगर आपका ऐसा कुछ प्लानिंग चल रहा है. एंड ऑल्सो सम फैक्ट्स यहाँ का जो मुझे पता चला यहाँ पे आके, जो मैंने इंसान से बात किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे
ओवर 100, 105 और 150 वॉलंटियर्स है जो लोग फ्री में यहाँ पे काम करते हैं, एंड आई थिंक ओनली 5 or 6 पेड वर्कर्स है. बाकी पूरा ये एरिया वॉलंटियर से ही चलता है. लाइक दे डोंट टेक एनी मनी, दे डोंट वर्क, वो लोग काम यहाँ पे करते नहीं है लाइक पैसे के लिए. वो लोग सिर्फ यहाँ के टेक केयर करते हैं. दे आर मोस्टली रिटायर्ड पीपल बट ऑल्सो टेक केयर करते हैं लाइक बाकी ये ऐसे हम लोग टूरिस्ट लोग जो लोग भी यहाँ पे आते हैं वो लोग के लिए टेक केयर करते हैं. गार्डनिंग वगैरह भी बहुत कोई करते हैं, जिसको गार्डनिंग पसंद है वो लोग गार्डनिंग भी करते हैं. तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से वॉलंटियर करना चाहते हो. तो ऑब्वियसली 105 और वॉट एवर द नंबर इज़ वो लोग एक साथ सब वॉलंटियर नहीं करते, बट जो जब अवेलेबल होते हैं वो लोग उस दिन वो वॉलंटियर होते हैं. जैसे कि आज जिस इंसान से मिला वो आज वॉलंटियर कर रहे थे, तो ऐसे ही वो लोग आपस में वो शेड्यूल कर लेते हैं कि कौन कब करेगा. बट इट वॉज रियली नाइस प्लेस. आई होप आपको अच्छा लगा ये वीडियो, एंड नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं कुछ और. बट अगर आपको सच्ची में ये वीडियो अच्छा लगा और आपको मैं दिखा पाया कि सोशल मीडिया एंड हाइप क्या है, तो अगर आपको पसंद आया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है. और फिर से लाइक थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट. शेयर विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड लव यू ऑल. टेक केयर, बाय.